अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों की तरफ से इटली के वर्क परमिट्स के बारे में, कोई नई अपडेट के बारे में पूछा गया कि उनके किसी जानने वाले ने कहा है कि इटली के वर्क परमिट जो हैं वो दोबारा निकल रहे हैं और दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट हुकूमत की तरफ से लॉन्च नहीं की गई, कोई भी नई न्यूज़ उनकी तरफ से अपडेट नहीं आई, इस वजह से अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एजेंट माफिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरक है, वो मुख्तलिफ लोगों को ख़ासतौर पर मासूम लोगों को टारगेट करते हैं और सबसे सॉफ्ट टारगेट उनके लिए वर्क परमिट का ही है, क्योंकि वर्क परमिट पे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को महफूज समझते हैं कि वर्क परमिट पे जाके आपको काम मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको रहायश मिल जाएगी, आपकी जाती तनख्वाह शुरू हो जाएगी। इस तरह के ख्वाब उनको दिखाए जाते हैं और उनसे पहले खर्चे के तौर पे कुछ ना कुछ अमाउंट ले ली जाती है और उनको कहा जाता है कि ये आपको वापस नहीं दी जाएगी और उसी पे वो अपना आगे काम चलाते रहते हैं। इस वजह से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, जैसे कि अपडेट होगी वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसी चैनल पे मैं शेयर करूँगा। कोई भी किसी तरफ से भी अभी तक हुकूमत ने इटली के नए वर्क परमिट लॉन्च करने की कोई भी अपडेट नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी जो इतने ज़्यादा वर्क परमिट जमा है उनके ऊपर ही अभी तक आंसर्स नहीं आए और कोई भी नई अपडेट ख़ास तौर पे हमारी कंट्रीज़ के लिए नहीं है। अब जहाँ तक एम्बेसीज़ की बात है तो उस पर भी आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स आने की उम्मीद है। जैसे वो अपडेट्स आएंगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।